Hello students, today we are going to discuss about the our different product, different compound of hydrogen, that is D2O and H2O2, hydrogen peroxide. Okay, in which hydrogen peroxide is reduced from your syllabus, but we are going to discuss slightly on hydrogen peroxide also. But today we have to discuss on D2O. This is most important for you. Okay, so let's we start. D2O, that is also known as heavy water. D2O, that is heavy water. ठीक है, तो देखो हैवी वाटर एक्चुअल में होता क्या है. तो ऑल द रिएक्शंस व्हिच इज शोन बाय द हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड दैट इज वाटर D2O आल्सो शोज ईच एंड एवरी रिएक्शन. बट देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन D2O एंड H2O? नो लार्ज डिफरेंस, ओनली एटॉमिक मास ऑफ D2O, molecular mass of D2O is greater than H2O, so it shows some important role. If we talk about the D2O, we can write the preparation of D2O. D2O का preparation होता कैसे है? और D2O को आप कहते क्या हो? ड्यूटेरियम ऑक्साइड. ओके, दिस इज आर हाई ड्यूटेरियम ऑक्साइड. तो इसका प्रिपरेशन का फर्स्ट मेथड है जो है बाय एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. देखो वाटर में D2O स्लाइटली प्रेजेंट होता है, स्लाइटली बहुत कम मात्रा में. क्या होता है? D2O प्रेजेंट होता है वाटर में. जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो D2O रिमेन्स रह जाता है, उसमें बचा रह जाएगा और उससे निकल किया जाता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. लेकिन वहां पर D2 जो है ड्यूटेरियम वो बचा रहेगा इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर. एनोड एंड कैथोड पर एक पर D2 बचा रहेगा, दूसरे पर ऑक्सीजन बचा रहेगा जो आपस में रिएक्ट करके बना लेते हैं D2O. ठीक है, अब इसे हम एक बात आती है एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्यों कहते हैं. एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थका देने वाला, उब जाने वाला. ठीक है, मींस ऐसा रिएक्शन जो हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, उबा देगा, एकदम थका देगा आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करते करते. तो उसी को चलो हम देखते हैं, समझ में आ जाएगा. इसे आप लिख लोगे कि when water is electrolyzed repeatedly, it gives deuterium oxide. तो इसमें दो तरह से रिएक्शन होंगे. एक क्या होगा? एट कैथोड, H प्लस अक्वा प्लस वन इलेक्ट्रॉन माइनस होगा. ये देखो यहां पर रिएक्शन को हम दोनों को कंपेयर करके चलते हैं क्योंकि दोनों होता है इसमें.
क्या हुआ पहला हमारा H2O और एक और क्या होता है D2O, ये दोनों होते हैं। इफ वी बॉयल द वाटर और इलेक्ट्रोलाइज द वाटर, D2O इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट इन इट। सो फॉर H2O एट कैथोड H+ अक्वा प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस व्हाट गिव्स इट हाफ H2 गैस। इज दैट सेम एज अगर बात करें हम D2O की के तरफ तो D2O में भी यही रिएक्शन शो करेगा D+ अक्वा प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस A-, इट गिव्स हाफ D2 गैस। इज दैट ये तो बात हुई कैथोड की। अगर बात करें हम एनोड पर ऐसा क्यों हुआ आप इसको लिख लो रीजन भी ड्यू टू मोर मास एंड साइज मोबिलिटी ऑफ H+ इज हाई एंड हेंस रिडक्टिविटी ऑफ H+ विल अकर। भाई D2 का क्या है मास ज्यादा है साइज ज्यादा है तो मोबिलिटी ऑफ H+ की मोबिलिटी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। क्यों क्योंकि इसका H+ का अगर हम बात करें तो साइज और मास दोनों क्या है कम अकर एंड D2 रिमेन्स स्टेबल। ओके तो इसे आप कॉपी कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप यू ऑल हैव कॉपीड इट एंड वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट स्टेज। चलो मिटा लेते हैं इसको। आगे क्या होता है अब एनोड पर एट एनोड क्या होगा 4OH- क्या देगा ऑक्सीजन गैस अलोंग विथ वाटर एंड 4 इलेक्ट्रॉन माइनस। इज दैट अब यहां वाटर तो हमें मिल रहा है फिर हमारे पास D2O के कंसेप्ट कहां से आया। देखो इन फर्स्ट केस में क्या हुआ था हमारे पास D2 था हाफ D2 और ये ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं वेयर एज यहां आप लिखो लोगे वेयर एज एज OD- रिमेन्स स्टेबल। एक OD- तो है ही और ऑक्सीजन भी है हमारे पास हाफ D2 कैथोड पर मिला था दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे D2O। इज दैट तो आप यहां पर क्या करोगे और एक लाइन लिखोगे कि सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन Only D+ and OD- remains stable into the water which form D2O that is
वॉट हैवी वाटर. ओके तो यहां से हमें मिल किया जाता है हैवी वाटर. तो ये हुआ हमारा फर्स्ट प्रोसेस बाय एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है, सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन. आप यहां पर एक पॉइंट और लिख ले रहा हूं, यहां ये होगा कि अप्रोक्स देखो इन ए स्लाइटली सो लेस अमाउंट ऑफ डी2ओ इज प्रेजेंट इनटू द वाटर मींस इफ वी इलेक्ट्रोलाइज 29,000 लीटर ऑफ वाटर इट प्रोड्यूस 1 लीटर ऑफ डी2ओ. 29,000 लीटर को अगर आप इलेक्ट्रोलाइज करते हो अगेन एंड अगेन, प्रोसेस आप याद रखना बार बार इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हो, तब जाकर आपको 1 लीटर क्या मिलता है, डी2ओ मिलता है. क्लियर है ना? तो ये हमारा है फर्स्ट प्रोसेस, कॉपी इट नाउ. अब अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी वाटर की होती है वही फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डी2ओ की. बस डिफरेंस क्या होता है, स्लाइटली इट इज मोर देन वाटर. मीन्स जैसे अगर बात करोगे किसकी, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि डी2ओ, तो डी2ओ का बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, डी2ओ की अगर बात करोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है होता है 101 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स, 101.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और बाकी की प्रॉपर्टी आप यहां लिख सकते हो कि ऑलमोस्ट मत लिखो, आप लिखो अप्रोक्स ऑल द प्रॉपर्टी ऑल द फिजिकल कॉन्स्टेंट ऑफ व्हाट, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज स्लाइटली greater than that of water because molecular mass of D2O is more than नॉर्मल वाटर. क्लियर है ना? तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी. अगर इसके आगे आप बात करो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टी में भी सेम ही होता है जैसा आप देखते हो. केमिकल प्रॉपर्टी वाटर की, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ D2O, तो देखो इसको हम कंपेयर करके चलते हैं फिर समझ में आ जाएगा. हियर वी राइट हियर H2O एंड हियर D2O. इफ H2O रिएक्ट्स विथ Na2O, अगर मान लो ये सोडियम ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, Na2O से रिएक्शन करता है कौन, H2O, तो बताओ क्या बनाता है, 2NaOH बनाता है. इज दैट, वहीं अगर बात करो ये तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन हुआ. अबाउट द वाटर,
we are considering here only water, not D2O. If we write second equation, that is calcium carbide CaC2 plus water. If water reacts with calcium carbide, it gives calcium hydroxide along with calcium hydroxide along with C2H2. Okay, if we talk about our third reaction, that is electrolysis of water. Electric current, if we pass electric current into the water, it gives H plus ion and OH minus ion. Is that? Or sorry, it gives 2H2O. 2H2 plus oxygen gas. Clear है ना? Electric pass, current pass करेंगे 2H2 plus oxygen gas. Same process we can apply here with D2O. D2O में भी क्या हो जाएगा? Same process. If D2O reacts with Na2O, first reaction Na2O plus D2O. What will obtain? On the place of H you have to write D. Means 2NaOD. सोडियम ड्यूटेरॉक्साइड. सेकेंड कंडीशन अगर हम बात करें, CaC2 प्लस D2O, इट गिव्स व्हाट? CaOD का होल ट्वाइस अलोंग विथ C2D2. सेम एज इन थर्ड रिएक्शन, इफ वी इलेक्ट्रोलाइज, if electrolysis of what deuterium oxide is done, 2D2, by passing the electric current in D2O, it gives 2D2 along with oxygen gas. Means all the property of water it deuterium oxide shows. So there are no more difference, only on the place of hydrogen you can write D. Okay, copy it now, and after that we will discuss the uses of some uses of deuterium oxide. So let's discuss about the uses of D2O. D2O का uses क्या है? तो देखो, पहला तो use है जो आप लोग देख चुके हो, D2O is the source of deuterium. D2O का क्या है? ये source है. D2O, because D2 is obtained by the electrolysis of D2O. ये तो ही हमारी पहली बात. दूसरी बात, सेकंड इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज नॉट प्रॉपर्टीज, इट इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर. It is used in the nuclear reactor. तो nuclear reactor में इसका use क्या है? भाई nuclear reactor में D2O क्या करता है? As a moderator. A moderator का मतलब क्या होता है? इसका work क्या होता है? It can
मॉडरेटर का काम क्या होता है, इट कैन रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर. टू मच न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन, सो इट कैन रिड्यूस द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स. मीन्स D2O is used to control the speed of neutrons in the nuclear reactor. Is that? Then this is the uses of deuterium oxide. Copy it and we will discuss about the hydrogen peroxide as next compound of hydrogen. Our next compound is hydrogen peroxide, that is H2O2. और इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था. हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, दिस इज परोक्सी लिंकेज. परोक्सी लिंकेज एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यहां पर ऑक्सीजन किस स्टेट में होता है, -1. ये तो आप लोग जानते हो, हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में एक बार इसको डिस्कस कर चुके हैं. तो चलो हम शुरू करते हैं हाइड्रोजन परोक्साइड का प्रिपरेशन. प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड, फर्स्ट मेथड इज नोन एज मर्क्स प्रोसेस. इस प्रोसेस में क्या होता है, सोडियम परोक्साइड इज रिएक्टेड विथ H2SO4. सोडियम परोक्साइड इज रिएक्टेड विथ H2SO4 और वो H2SO4 कैसा होगा, 20% डाइल्यूट एंड आईसी कोल्ड. इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन परोक्साइड. लाइक इफ वी कैन राइट हियर कि when sodium peroxide reacts with icy cold 20% dilute H2SO4, it produces H2O2, हाइड्रोजन परोक्साइड. रिएक्शन विल बी Na2O2 प्लस H2SO4. ये H2SO4 कैसा है, 20% डाइल्यूट विथ आइसी कोल्ड. ठीक है, एक कंटेनर में आइस रखे रहते हैं, उसके बीच में हम क्या डालते हैं, एक कंटेनर में H2SO4 Na2O2 लेते हैं, उसमें H2SO4 को स्लाइटली डालते जाते हैं, सेक करते जाते हैं कंटिन्यूअसली. उसके बाद में हमारे पास मिलता क्या है, Na2SO4 along with हाइड्रोजन परोक्साइड. दैट आवर सेकेंड प्रोसेस इज second process from hydrated barium peroxide. hydrated barium peroxide formula kya hota hai, BaO2.8H2. जब बेरियम ऑक्साइड, हाइड्रेटेड बेरियम ऑक्साइड का रिएक्शन, चलो इसको पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं. व्हेन हाइड्रेटेड बेरियम परोक्साइड हाइड्रेटेड बेरियम परोक्साइड
रिएक्ट्स विथ H2SO4, इट प्रोड्यूस व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट अलोंग विथ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, इसका अगर रिएक्शन लिखोगे, जब हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड का रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ कराया जाता है तो उसमें हमें क्या मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट अलोंग विथ H2O2। आप रिएक्शन लिख लो, BaO2.H2O प्लस H2SO4 क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक से लिखते हैं थोड़ा, BaO2.8H2O प्लस H2SO4 गिव्स क्या बनेगा, BaSO4 व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी अलोंग विथ H2O2 एंड H2O। आप H2O को H2O2 के अक्वस सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, बेरियम ऑक्साइड हाइड्रेटेड बेरियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट अलोंग विथ H2O2 अक्वस। कॉपी इट नाउ, लेट अस डिस्कस नाउ अबाउट द प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी, ड्यू टू हायर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होता है, देखो यहां भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू हायर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर विल बी H2O2 देन D2O देन H2O। इफ वी कंपेयर हाइड्रोजन डायहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड ड्यूटेरियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज मोर देन D2O एंड D2O, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ D2O इज मोर देन डायहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। सेकेंड प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज कलरलेस लिक्विड विथ ब्लूइश टिंच, स्लाइटली ब्लू इन कलर, इट इज स्लाइटली बिटर इन टेस्ट, इसका जो स्वाद होता है वो स्लाइटली बिटर होता है। अब अगर बात करें हम केमिकल प्रॉपर्टी की, H2O2 aqueous solution, if it reacts with light, means if it is kept in the light, it gives water along with oxygen gas and hence, यहां एक लाइन आप और लिख लोगे, कहां लिखोगे, एक मिनट, मैं ये लिख चुके होगे आप लोग, मैं इसको मिटा देता हूं और इसको मैं ऊपर कैरी कर लेता हूं, ड्यू टू डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इट इज केप्ट इन द डार्क कलर कंटेनर एंड इन डार्क प्लेस। ठीक है, ये क्या कर सकता है, लाइट के साथ रिएक्शन कर सकता है और रिएक्शन करके क्या बना सकता है, वाटर और लाइट में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा वाटर और ऑक्सीजन गैस में, सो इट इज केप्ट इन द डार्क कलर कंटेनर, केप्ट इन द डार्क कलर कंटेनर एंड इन डार्क प्लेस। और सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज रिएक्शन विद K2Cr2O7। When hydrogen peroxide reacts with, लिख देते हैं इसको भी, when hydrogen peroxide
हाइड्रोजन परोक्साइड रिएक्ट्स विथ एसिडिफाइड एंड आइस कोल्ड K2Cr2O7 इट प्रोड्यूस ब्लू कलर नॉट ओनली ब्लू कलर बट इट इज इट प्रोड्यूस डीप ब्लू कलर डीप ब्लू कलर सोल्यूशन बिकॉज ऑफ CrO5 कंपाउंड। ठीक है, जब हाइड्रोजन परोक्साइड को एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम क्रोमेट के साथ रिएक्शन कराया जाता है, व्हेन हाइड्रोजन परोक्साइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम क्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 मींस एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड हियर K2Cr2O7 क्या होगा, ये आइस कोल्ड होगा, क्या होगा, आइस के प्रेजेंस में, इज दैट इट फॉर्म CrO5 एंड along with K2SO4 potassium sulfate। अब आप लोग redox reaction में पढ़ चुके हो CrO5, इसका structure कैसा होता है, butterfly structure याद है, butterfly structure, और इसका color कैसा होता था, blue, और इसीलिए हम इसको नाम क्या देते थे, blue butterfly, याद है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हुआ करता था। हमेशा ध्यान रखा करो इन सब छोटी छोटी बातों को जो आप लोग पढ़ चुके होते हो, सीआर यहां तो एक डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन हियर अगेन ऑक्सीजन, दिस इज परोक्सी लिंकेज, देयर आर टू परोक्सी लिंकेज हियर, टू परोक्सी लिंकेज एंड दिस स्ट्रक्चर इज लुक्स लाइक बटरफ्लाई, हेंस इट इज कॉल्ड बटरफ्लाई स्ट्रक्चर एंड इट्स कलर इज ब्लू, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू बटरफ्लाई, इज दैट। तो ये हुए हमारे हाइड्रोजन परोक्साइड के कुछ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहां हमारा हाइड्रोजन परोक्साइड भी खत्म होता है, वैसे हाइड्रोजन परोक्साइड आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है इस ईयर, फिर भी आपको ये जानना जरूरी है क्योंकि 12th क्लास में इट मे बी पॉसिबल दैट हाइड्रोजन परोक्साइड विल बी रिपीटेड, नॉट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस बट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स, सो इट इज इंपॉर्टेंट। टुडे आवर हाइड्रोजन चैप्टर इज फिनिश्ड एंड वी विल मूव in next chapter, that is S block element from next year, is that, tab tak ke liye take care।